ऑन क्लोज करो ना, कर दिया। वीडियो भी ऑन करो। करेक्ट बताओ प्लीज। हाँ बताओ अंश। अंश आवाज नहीं आ रही आपकी। फिर हमें अपने आग्रिया चक्र पे गुरुदेव की फोटो को कंसंट्रेट करना होता है। उसके बाद हमें गुरुदेव से प्रार्थना करनी होती है कि हमें 15 मिनट का ध्यान लगाए, और फिर मंत्र जाप करना होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बच्चों को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे बच्चे एकदम स्क्रीन पर आ गए हैं। अभी 24 जो हमारे मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं, और आप सभी मेरे को सुन रहे होंगे। आपने शक्तिमान का नाम सुना है? अच्छा, आपके मैं एक बात बता रहा था, आपके यहाँ पर जो स्क्रीन चल रही है इसके 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, और 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आएगा ऐसे थंब का, आपको अच्छा लगे तो ऐसे थंब कर सकते हैं कि मुझे अच्छा लगा। किसी को ताली बजानी है तो ताली बजाने का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ताली बजेगी। और किसी को अच्छा लग रहा, हंसने का मजा आ रहा तो आपको हंसने का ऑप्शन है। साथ में एक को हाथ खड़ा करने का ऑप्शन भी है, जैसे आप लास्ट वाले एक ऑप्शन उस पर हाथ खड़ा करेंगे तो आप कुछ बोलना चाहे तो वहां पर क्लिक करके उसको करेंगे तो आपको हम बुला लेंगे। तो ऐसे 3-4 ऑप्शन है, 3 डॉट 3 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। चलो मेरे को एक मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था अभी हमारा सेशन शुरू, उससे पहले किस किसने शक्तिमान नाटक देखा है? शक्तिमान नाटक किसने देखा है, जरा हाथ खड़ा कर सकते हैं? इसमें 3 डॉट्स पर जाकर के हाथ खड़ा करने का ऑप्शन है। मुझे लगता है सभी ने देखा होगा ना वो तो। और शक्तिमान नाटक के अंदर, शक्तिमान के अंदर बहुत सारी शक्ति आती है और पावर आता है, नीचे से उसका पावर ऊपर जाता है और उसकी, हाँ कनिका यू कैन स्पीक, कनिका। कनिका हाँ बोल सकते हैं आप, अपना माइक अनम्यूट करके, माइक अनम्यूट करें। जय उदय सभी को। मैंने शक्तिमान के लिए हाथ उठाया था कि मैं भी हाँ तो देखूं। शक्तिमान, अच्छा कनिका मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि जब शक्तिमान आपने देखा तो उसमें क्या देखा आपने, क्या कि उसके पास काफी बताओ? पावर्स बिल्कुल, होते हैं जिससे वो दुनिया को बचाता है। तो वो पावर्स किस प्रकार से उसके अंदर आते हैं, आपने देखा उसके अंदर पावर कैसे आता है? मतलब आई थिंक किसी की पूजा करता था, उन्होंने उनको दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, इसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर, जैसे शक्तिमान के रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे में एक पावर था, एक एनर्जी थी, एक फोर्स था। हर व्यक्ति के अंदर वो फोर्स होता है और किसी की उसने शक्ति किसी ने उसको दी थी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हर व्यक्ति के अंदर, आप सबके अंदर, सब बच्चों के अंदर वो पावर है। यदि वो पावर है, आप किसी के शरण में जाए, गुरुदेव की शरण में जाए और वहां से वो पावर आपका जागृत हो जाए तो आप भी शक्तिमान बन सकते हैं ना, और आपके इतनी एनर्जी आ सकती है और आप इस सारे संसार को बचा सकते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि हमारे अंदर शक्ति आए, हम पावरफुल बने और संसार को भी हम पावरफुल बनाए? तो शक्तिमान में जिस प्रकार से वो शक्ति जागृत होती है, यहाँ पर भी वो शक्ति जागृत करने का भी विषय आपको बताया जाएगा, किस प्रकार से वो शक्ति होती है। अच्छा ये बताइए, इम्यूनिटी के बारे में कौन कौन जानता है? इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आप पढ़ते हैं साइंस के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, इम्यूनिटी क्या होती है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में कोई बताए हाथ खड़ा करके? कनिक आप भी बता सकते हैं यदि आपको याद है तो, और भी गुरु भाई गुरु बहन जो छोटे छोटे बच्चे हैं सारे जिनको इम्यूनिटी के बारे में पता है, इम्यूनिटी पावर क्या होता है? इम्यूनिटी बॉडी का फाइट मैकेनिज्म होता है कि कोई बीमारी हो तो कितना अच्छे से बॉडी उसको फाइट कर सकती है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बॉडी के अंदर एक पावर होता है, उसको फाइट पावर कहते हैं। यदि वो पावरफुल हो जाता है तो किसी भी प्रकार की हमारे अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाती है और किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, एक रोग होता है, उससे हम लड़ सकते हैं, चाहे वो फिजिकल बीमारी हो। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं लोग खाना भाई? और पीना भी बता, मेडिटेशन। खाना पीना और मेडिटेशन, और भी कोई बताइए। आपके क्लासरूम के जब आपको साइंस पढ़ाया जा रहा था तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य करवाए जा रहे थे आपसे, क्या क्या खुशी कहते थे खुशी टीचर? रोहन बोलो बेटा, खुशी रोहन। खुशी रोहन कोई भी बोल सकते हैं, सबको सबको अपना हैंड, आप यहाँ से आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, जैसे कनिका ने किया, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ये मनोरमा, ये रोहन भाटी गुरु भाई के बच्चे, खुशी, और ये दीपिका भी बोल सकती है। कैन यू स्पीक दीपिका?
आद्या गर्ग, आद्या मैं आपको इनवाइट करता हूँ इस मंच पे, जो भी आप ध्यान करती हैं उसके बारे में बताएं, किस तरीके से ध्यान करते हैं और क्या आपको फील होता है बिना किसी झिझक के। माइक को अनम्यूट कर लो। आद्या आप सुन रही हैं? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आद्या जय गुरुदेव, बोलिए। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखिए बहुत सुंदर बात कही है वो सुमन गुरु भाई ने। आगे क्या सेशन को शुरू करें गुरु भाई जी, या मुझे कुछ बोलना है बोलता रहूं? दीपू भैया स्टार्ट करेंगे भैया। ओके, जो भी जिसको भी करना है तो वो इसको स्टार्ट करें ताकि सेशन शुरू हो हमारा। तो मेरे ख्याल से अपन कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल 9:10 हो गए, अब कर सकते हैं बिल्कुल जी। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपना माइक बंद कर लें। मैं इसको ऑप्शन को ऑफ कर देता हूं, या इसको ऑन रह देते हैं, अगर किसी बच्चे के मन में कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, अभी जो हम सब ने, कई बच्चों ने अपने अनुभव बताए ज्ञान युग के, कई लोगों को पहले से मालूम है कि हाँ किस तरीके से हम ध्यान करते हैं। तो हम आपको आज एक बहुत ही सिंपल सी एक ध्यान की विधि बताने वाले हैं, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। मैं एक बार मेरा वीडियो शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो बेसिकली अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो जय गुरुदेव, ये जो फोटो आप देख रहे हैं सफेद फोटो में, जी जय गुरुदेव। तो बच्चों आप सब लोग ये फोटो देख पा रहे हैं जिसमें एक सफेद वस्त्रों में गुरुदेव हैं, जिनके चश्मा लगा हुआ है लेफ्ट साइड में। अगर देख पा रहे हैं तो कोई भी बच्चा प्लीज एक बार यस हाँ कुछ भी बोल दें। जी बहुत बढ़िया। तो ये जो फोटो है इसमें हमें क्या करना है कि गुरुदेव की तस्वीर को थोड़ी देर ध्यान से देखना है, जिससे कि हमें याद हो जाए। अब याद होने से हमें क्या मतलब है, जैसे कि आप कई बार आंखें बंद करिए और अपने पापा की फोटो सोचें, या आपका जो घर का मकान है उसकी फोटो सोचें, मन में याद करने की सोचें, तो हम देखते हैं कि हमें वो फोटो याद हो जाती है, मन में हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके गुरुदेव के आश्रम में आई हूँ। जी बहुत बढ़िया गुरु बहन, हम अभी एक बार ध्यान की विधि एक्सप्लेन कर दें, फिर आप अपने पूरे जो अनुभव है वो सभी लोगों को बताना, ठीक है? तो हमें करना क्या है, ये जो गुरुदेव की फोटो है जिसमें गुरुदेव ने चश्मा लगा रखा है, इन गुरुदेव की फोटो को थोड़ी देर ध्यान से देखना है। और जहाँ पे औरतें बिंदी लगाती हैं या हम तिलक लगाते हैं मंदिर में, वहाँ पे आंखें बंद करके गुरुदेव की फोटो को याद करने की कोशिश करना है। अगर दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो भी कोई बात नहीं, हमें सिर्फ प्रयास करना है। जैसे अपन आँख बंद करके हमारे स्कूल के बारे में सोचें तो हमें स्कूल की मैडम, स्कूल के बच्चे नजर आने लग जाएंगे। एक मिनट, ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पे जहाँ हम तिलक लगाते हैं या जहाँ पे आपकी मम्मी है या घर में जो महिलाएं हैं वो बिंदी लगाती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे गुरुदेव की फोटो को मनी मन सोचना है और गुरुदेव से करुण प्रार्थना करनी है, रिक्वेस्ट करनी है। अब बच्चे हम रिक्वेस्ट क्या करेंगे, कुछ भी रिक्वेस्ट, जैसे मेरे पढ़ाई में नंबर कम आते हैं, मैं स्पोर्ट्स खेलने जाता हूँ, फुटबॉल खेलना चाहता हूँ पर मैं खेल नहीं पाता, मैं थक जाता हूँ, तो गुरुदेव मेरे अंदर शक्ति दें। शक्तिमान सीरियल हमने देखा है, हमें लगता है कि शक्तिमान के अंदर बहुत पावर्स होती हैं, क्या वैसी पावर्स मेरे अंदर हो सकती हैं, तो हे गुरुदेव मुझे उसका अनुभव कराएं। या फिर हम कहानियाँ सुनते हैं भक्त प्रहलाद की, ध्रुव की, वो छोटे छोटे बच्चे थे लेकिन फिर भी भगवान ने उन पर कृपा की। जैसे भक्त प्रहलाद था, वो होलिका उसको लेके आग में बैठ गई तो होलिका जल गई लेकिन भक्त प्रहलाद बच गया। हमें लगता है ये सब कहानियां हैं, ये कहानियां नहीं है, ये सच हो सकता है। अगर आप लोग भी इस ध्यान योग को अपनाएं, रोजाना 10-10, 15-15 मिनट जितनी देर आपका मन करता है उतनी देर ध्यान करें, तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी वो सब शक्तियाँ जागृत हो सकती है। तो मैं आपके सामने एक वीडियो चलाऊंगा, गुरुदेव उसमें एक मंत्र बताएंगे, आपको करना सिर्फ ये है कि उस मंत्र को ध्यान से सुनना है और आंखें बंद करके
यहाँ पे गुरुदेव की फोटो देखनी है मनी मन, और मंत्र का जाप करना है। अब इसमें एक जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि जब आप ध्यान शुरू करें तो गुरुदेव से रिक्वेस्ट कर लें कि हे गुरुदेव मेरा 10 मिनट के लिए ध्यान स्थिर करें, हे गुरुदेव मुझे आप 10 मिनट के लिए शरण में लें, इस तरीके से। और दो काम करने हैं, यहाँ फोटो देखनी है और मंत्र जाप करना है। इतना करने से आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या परिवर्तन होता है, इस ध्यान योग से कुछ फील होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो मैं गुरुदेव का ध्यान वाला वीडियो, मंत्र जाप वाला वीडियो चलाता हूँ, आप सभी लोग उसको ध्यान से सुनें। दीपू जी अभी आवाज नहीं आ रही है वीडियो की, मैं आप स्क्रीन शेयर अनशेयर करके जब सिस्टम साउंड ऑन करेंगे तो वीडियो की आवाज आएगी। हाँ मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। हाँ दोबारा शेयर करते टाइम को जो टर्न ऑन सिस्टम साउंड होता है उसको ऑन जी बिल्कुल। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो और जीव नहीं होना चाहिए। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने मंत्र ध्यान से सुन लिया होगा। अगर किसी को कुछ समस्या है मंत्र में तो अपना हाथ उठाएं, या फिर अगर ध्यान की विधि समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो अपना हाथ उठाएं, वरना हम 15 मिनट के लिए अब ध्यान शुरू करेंगे। मैं सबका माइक ऑफ कर रहा हूं। सब अपना कैमरा ऑन रखें प्लीज, ताकि रिकॉर्डिंग होगी और इसको अपन यूट्यूब पे डालेंगे। जी अब सभी लोग ध्यान शुरू करें। गुरुदेव की तस्वीर को यहाँ देखें, मनी मन मंत्र का जाप करें और गुरुदेव से रिक्वेस्ट करके बैठे हैं, हे गुरुदेव मेरा 15 मिनट के लिए ध्यान लगें। ये लोग क्या बता रहे हैं वो मुझे उसका फील करवाइए। जी शुरुआत शुरू करें सब।
जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हो गया है, अब सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और ध्यान की अवस्था से बाहर आ जाइए। रंगला जी, आप एक बार सबके वीडियो और माइक अनेबल कर दें। जी भैया, कर दिए। जय गुरुदेव सभी को। तो हमने देखा कि काफी सारे बच्चों को काफी सारे योगिक मूवमेंट हो रहे थे, कई तरह की अनुभूतियां हमें नजर आई। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रामलाल जी गुरु भाई से कि वो मंच का संचालन करें, और जो कोई भी गुरु भाई, जो कोई भी बच्चे जिनको किसी भी तरह का अनुभव हुआ हो, वो बेझिझक मंच पे आए और अपने अनुभव शेयर करें, या किसी तरह की कुछ जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो वो रख सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर रिया गुरु बहन यहाँ पर हो और कवाना जी, तो बच्चों के प्रश्न जो भी हैं अगर वो उनके उत्तर देते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी से उनको समझ पाएंगे। रामलाल जी गुरु भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच का संचालन करें। आप म्यूट पे हैं गुरु भाई। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। अभी सभी प्यारे बच्चों ने गुरुदेव का ध्यान किया और बड़ा आनंद आ रहा था देख करके कि सबको बड़ी अद्भुत अद्भुत योगी क्रियाएं हो रही थी, और ये एक बड़ा सुंदर दृश्य था जो हम देखना चाहते थे। बड़ा आनंद आ रहा था सबको, बहुत सुंदर सुंदर योगी क्रियाएं हो रही थी। किसी को गर्दन का मूवमेंट हो रहा था, किसी को पेट का, किसी को लेग्स का, और ये सब ऑटोमेटिक हो रहा था। मेरी आवाज आ रही ना सब बच्चों को ना? जी, तो देखिए ये एक योग है जो अभी गुरु भाई जी ने आपको बताया कि 2 मिनट गुरुदेव की तस्वीर को खुली आंख से देखना, फिर आंख बंद करके जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं ऊपर देखना, फिर आंख बंद करके गुरुदेव से प्रार्थना करनी 15 मिनट की, और 15 मिनट फिर आप ध्यान में गए। और ध्यान करने से आपके अभी आपने वो फील किया होगा कि ध्यान करने से क्या हुआ, तो उस अनुभव को हम यहाँ पर साझा करेंगे। मैं आपको बताऊं, या आपका जो सब बच्चों का जो वीडियो है ना, ये YouTube पर जाएगा, और पता है आपके मित्र नहीं, आपके परिवार के नहीं, आपके सिटी के लोग नहीं, पूरे देश के नहीं, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे कि देखिए बच्चों का भी किस प्रकार से ध्यान लगता है, ऑटोमेटिक योग होता है। अच्छा, भी ध्यान के दौरान जो आपको अनुभूतियां हुई, उस अनुभूतियों को शेयर करने के लिए मैं एक एक अपना माइक अनम्यूट कर अनुभूति सुनाना चाहे तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते, नहीं तो फिर मैं एक एक करके बुलाऊंगा सबको, जिसको भी बोलना है वो माइक अनम्यूट कर सकते। मैं सबसे पहले दीपिका को कॉल करूंगा। दीपिका, आप मेरे बात सुन रही हैं? दीपिका, ओके, अपना माइक अनम्यूट कर लें। दीपिका यदि मेरी आवाज सुन रही तो अपना माइक अनम्यूट कर ले तो बहुत अच्छा होगा आपसे बात करने में। जी, जब दीपिका आप ध्यान कर रही थी, जब गुरुदेव से आपने प्रार्थना करके, गुरुदेव मेरा पन, देखिए सबसे पहले देखे सबसे ऊपर गुरुदेव का आश्रम दिखाई दे रहा सब बच्चों को, और वहां पर गुरुदेव के वहां पर आप सब लोग हाथ जोड़ के दर्शन कर लीजिए। कोटा आश्रम का वो दृश्य जहाँ पर गुरुदेव स्वयं आया करते थे और यहाँ पर इस सिंहासन पर बैठा करते थे, और यहाँ से सब बच्चों को बहुत प्रेम किया करते थे। और मैंने एक बार देखा था जब भी बच्चे गुरुदेव के पास जाते थे, पता गुरुदेव क्या करते थे, वो अपने हृदय से लगा लिया करते थे सब बच्चों को, बहुत प्रेम करते थे, सारे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। और बता बच्चों में दीपिका को बुलाऊं से पहले बताता हूँ, गुरुदेव को पता है कार्टून बहुत देखते थे गुरुदेव, कोटा आश्रम आए थे एक बार हम चले गए तो अंदर पता है टीवी में कार्टून चला करके देख रहे थे, बच्चों से बहुत प्रेम था और बच्चों के कार्यक्रम बहुत देखते थे गुरुदेव, तो आपके सबसे प्रिय गुरुदेव हैं। तो दीपिका मेरी बात सुन रही हैं आप, आपने सबने दर्शन कर लिए होंगे, देखिए बहुत सुंदर दर्शन है, अपने गुरुदेव का आश्रम है ये कोटा राजस्थान में इंडिया में, तो आप लोग गुरुदेव के आश्रम के दर्शन करने के बाद में मैं दीपिका को कॉल कर रहा हूँ। दीपिका को स्पॉट कर लीजिए, थोड़ा सा स्पॉट लाइट कर लीजिए ताकि उससे बात हो पाएगी। ये बुद्धि जी हमारे दर
जी दीपिका मेरा नाम आध्या गांधी आध्या है आध्या हाँ आध्या बेटा आप बताइए आध्या आप बताइए अभी जब आप ध्यान करने बैठी और आंख बंद करके जब गुरुदेव का मंत्र जप कर रही थी तो आपको कैसा अनुभव हो रहा था हेलो आवाज नहीं आ पा रही है अच्छा क्या लग रहा था क्या आपके शरीर में कोई हलचल हो रही थी आगे झुक रही थी पीछे जा रही थी या फिर हाँ जी या फिर आपको कहीं आज्ञा चक्र पर जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं वहां पर कोई प्रकाश नजर आ रहा था कोई कलर्स नजर आ रहे थे किस प्रकार की आपके बॉडी में हलचल हो रही थी या क्या दिखाई दे रहा था आपको बताएंगे गुरुदेव की तस्वीर दिखाई दे रही थी चलो ये तो बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है पता है सभी बच्चे जब हम ध्यान करते हैं और जब हमारी जो रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा है वहां पर शक्ति जागृत शक्ति है जो शक्तिमान में हुआ करती थी वो गुरुदेव की शक्ति है वो जागृत हो जाती है और फिर वो ऊपर जाती है तो ऑटोमेटिक योग होता है ऑटोमेटिक शरीर अपने आप मूवमेंट्स करने लग जाता है और साथ में ये जो कलर्स दिखाई देते हैं या गुरुदेव आज्ञा चक्र पर दिखाई देते हैं इसका मतलब गुरुदेव हमारे अंदर बैठे हैं हम तो आंख बंद करके बैठे हैं आंख खोल करके देखते हैं संसार में तो लेकिन या तो आंख बंद करने के बाद भी दिखाई दे रहे हैं ना तो कितने आश्चर्य की बात है बड़े आश्चर्य की बात है तो कि हम आंख बंद करके बैठे और गुरुदेव हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब गुरुदेव आप हमारे अंदर है ना अंदर से हमारे सामने आ गए ये बहुत अच्छा लगा और दीपिका कुछ कहना चाह रही है आध्या आप कुछ और कहना चाह रही है ध्यान करके बहुत अच्छा लगता अच्छा ये बताइए आप अपनी कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप अच्छा क्या आपने कभी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताया कि ध्यान करने से कुछ होता है हेलो हाँ तो जैसे जैसे आपको हो रहा है तो आप नहीं चाहते कि जैसे हम शक्तिमान बनेंगे तो संसार में सबको बताएंगे कि गुरुदेव के ध्यान करने से इस प्रकार से गुरुदेव दिखाई देते हैं पढ़ाई में मन लगता है मन प्रसन्न होता है चलो आध्या बहुत अच्छा और भी जैसे कोई गुरु भाई जो जो बच्चे हैं कुछ कहना चाहते तो उनका मैं स्वागत करता हूँ अपना माइक अनम्यूट कर ले अच्छा ये खुशी और रोहन गुरु भाई के बच्चे बैठे हैं खुशी कुछ कहना चाह रही है क्या चलो अपना माइक अनम्यूट कर लो रोहन गुरु भाई इनका माइक अनम्यूट कर दे अच्छा जो भी बोलना हाँ जी 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 सबसे पहले अपना संक्षिप्त सा छोटा सा अपना नाम बता दीजिए कौन सी क्लास में पढ़ती है और कौन कहाँ रहती है इंडिया में ये बता दीजिए भाई साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कवाना जी को बुलाए ताकि बच्चे मोटिवेट होंगे जो नहीं बोल पा रहे बिल्कुल 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 मैं गुरु भाई की बहन बच्ची बोल रही है शायद वो रोहन गुरु भाई कैमरा ऑन कर ऑफ कर रखा है शायद अच्छा कवाना डू यू लिसन टू मी कवाना यस सर जय गुरुदेव ओके ओके यू कैन यस ओके आप अपना माइक यू कैन अनम्यूट योर माइक और आल्सो कैमरा ऑन यस सर आई ऑन माय कैमरा ओके कवाना First of all, so many students are here and participating in this program of meditation. And I'm asking some questions. What's your name and where are you from? And how did you start your meditation? And who tell you about Gurudev? And what is happening during meditation? Jai Gurudev. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Kavana. Can I share my today's experience? Okay, Kavana, first off, introduction, where are you from and in which class do you study?
so that so many students would learn more and more about you. Okay, sir. Jai Gurudev. My name is Kavana. I am from Karnataka. I am studying in 10th grade. And I am doing this meditation since 1 year. In this one year, I got many experience. My physical and my mental experience. And Gurudev will always with me. Always he will with me. While I'm going to, if I go anywhere, he will with me. Gurudev will always with me. We have to do more japa, that's all. If we do, okay. We have to do twice in a day meditation and continuous nama japa. If we do nama japa and then our body will start vibrating or releasing the chakras. There are 7 chakras in our body. In the particular this color, so we have it will when we meditate it will, the chakras will activate, especially what the mother power is Kundalini Shakti, it will awake. So we have to do more japa in Siddhi Yoga. We did not any japa means we will not get any result. Main Dhyana japa, it's very important. So we have to do japa and meditation. If we anywhere in your you can sit in any place or in any time, but you have to keep Gurudev's photo, that's all. The meditate will continuously, it will happen. I'm outside, I'm in bus. You no need to worry about that. If you sit in bus and you take the Gurudev's photo and you start mantra japa, then automatically your meditation will start. So we have to meditate and our chakra will awake. How to meditate means we have to take Gurudev's photo and we have to see the Gurudev. Ramlal ji Siak photo and we start the mantra japa. See 2 to 3 minutes for Gurudev's photo and close your eyes and pray to Gurudev, please make me to sit 15 minutes and meditate. You ask him. Then in 15 minutes, what all we cannot say what happened, yoga kriya, anubhava, or Gurudev darshana, or many experience what you need what you need for your body. It will yoga kriya will happens depend in your what you need for your body. So you do nama japa more, that's all. Jai Gurudev. Okay, Kavana, I will ask some questions. देखो मैं आप सबको हिंदी वाले जो गुरु बच्चे हैं उनको बताता हूँ. ये कवाना गुरु बहन है, ये क्लास 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, ये कर्नाटका से है. और आपके साथ में जो प्यारे बच्चों पूरे देश के नहीं, हमारे देश से बाहर से भी हमारे गुरु भाई बहन छोटे छोटे जुड़े हुए हैं. मॉरीशस से भी एक भैया जुड़ा हुआ, बच्चा जुड़ा हुआ है. और ये कवाना कह रही है कि जब ये मेडिटेशन करती है तो गुरुदेव हर पल इसके साथ में रहते हैं. ये जब कहीं जाती है तो गुरुदेव इसके साथ में ही चलते हैं. जब ये खाती है तो साथ में खाते हैं गुरुदेव. ऐसे कोटा का एग्जांपल, एक बच्ची जो भी वो छोटी सी बच्ची है तो वो फुटबॉल खेलती है तो एक तरफ वो खड़ी रहती है, दूसरी तरफ दादा गुरुदेव आ जाते हैं और उसके साथ में फुटबॉल खेलते. तो वेरी नाइस एक्सपीरियंस. और ये कह रही है कि हम लोगों को केवल मंत्र जपना है, चलते फिरते उठते बैठते हर काम करते समय मंत्र जपना है. तो कवाना, आई एम आस्किंग यू, व्हाट चेंजेस डू यू फील इन योर स्टडी when you started meditation and you are doing regularly this meditation method Gurudev Siyag Siddhi Yoga, and what changes are appearing in your study
your study, your study. Okay, you can tell. Yes, sir. In my studies, in starting, before starting this meditation, I feel, oh, enough today. I can study, in half an hour or 1 hour, if I study, then I'm getting bored. When I'm starting this meditation, then the mind is thinking, oh, read more, still more. I interest what we are studying starting 1 hour, but now we will get to study the mind 2 to 3 hours. And we will remember, we will not forget anything. Okay, okay, very nice. Yes, sir. ये कर्नाटका में, गुरु भाई सॉरी डिस्टर्ब किया आपको, कवाना बिटिया कहाँ रहती है कर्नाटका में, वेयर डज शी रिजाइड? सर शिमोगा डिस्ट्रिक्ट. ओके ओके, थैंक यू बिटिया, नाइस, गॉड ब्लेस यू. ओके, कवाना कह रही कि जब इसने गुरुदेव का ध्यान शुरू किया तो ध्यान करने से इसकी पढ़ाई में मन लगने लग गया. पहले 1-1.5 घंटा बैठ पाती थी, अब वो 2 से 2.5 घंटा आराम से बैठ करके स्टडी करती है और जो पढ़ती है उसको सारा याद रह जाता है. ये बहुत अच्छी बात है. गुरुदेव ने, इस प्यारे बच्चों, गुरुदेव ने एक बात कही कि यदि मेरी फोटो पर आप कंसंट्रेट यानी एकाग्र हो जाएंगे तो आपकी बुक में भी एकाग्र हो जाएंगे और फिर गुरुदेव वही पढ़वाएंगे जो आपके काम का है और उसको पढ़ा करके आपके जीवन में अंदर उतार देंगे. तो जो बच्चे 60% लाते हैं वो 90% तक पहुंच जाएंगे. तो बहुत सुंदर बात कही कवाना ने कि स्टडी में भी हमारी मेमोरी पावर बहुत बढ़ता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और हम पढ़ाई में भी अच्छे हो जाते हैं. तो गुरुदेव का ध्यान करने से फिर लोग ये नहीं कहेंगे कि तुम तो ध्यान करते हो तो तुम्हारे तो जीवन में कुछ बदला नहीं, पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे. तो सब घर वाले भी खुश हो जाएंगे ना, सब प्रसन्न रहेंगे मम्मी पापा के, ओ देखो पढ़ाई में भी बहुत कम पढ़ाई करने के बाद भी बहुत अच्छे मार्क्स लाता है. तो हमने अपनी पढ़ाई को अच्छी बनाने के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम ध्यान को चालू रख सकते हैं, ध्यान को कर सकते हैं. कवाना वेरी नाइस और योर एक्सपीरियंस आज वेरी गुड. और अब मैं रवीना गुरु बहन फ्रॉम बेंगलोर, वो कुछ कहना चाह रहे जी. And I improve in after coming this meditation, I improved my leadership level. Means in school, I am standing in cabinet leader, as a cabinet leader, class leader, discipline leader, everything. In this 1 year, I am standing for the 4 leaders, as a 4 to 5 leaders. And I improve leadership. I have improved my leadership. We can very improve. Nice. Very nice. That's a speciality of this Siddhi Yoga. Very good. ये कवाना कह रही है कि जब ये ध्यान करती है तो इससे इसके क्लास में सारे इसके जो क्लास फेलोज हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सारे इसको फॉलो करते हैं, टीचर्स भी इसको लाइक करते हैं और ये 4 teams के अंदर लीडरशिप कर रही है, यानी ये क्लास के अंदर भी लीडर है, अन्य बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर लीडिंग करती है और एक कैप्टन के रूप में काम करती है. तो गुरुदेव इस प्रकार से ध्यान करने से अपने प्यारे बच्चों को क्लास में, स्कूल्स में सबके पॉपुलर बना देते हैं, सब हमारे बात मानते हैं. ये बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर. रवीना गुरु बहन आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं. रवीना जय गुरुदेव सभी को. जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव. गुरुदेव के ध्यान से जो ये बच्ची बोल रही थी ना, बिल्कुल सभी बच्चों के साथ ही ऐसा होता है. तो वो आप कितना मतलब आत्म समर्पण करेंगे ना बेटा, जितना मतलब आप गुरु जी के पास जाओगे, गुरुदेव के पास जाओगे कि हमारी एजुकेशन में, हमारी पढ़ाई में, हमारी इन चीजों में रुचि जब आपकी बढ़ेगी ना, तो जो कवाना को मिला है हर चीज इनके साथ रहते हैं, गुरुदेव आपके साथ रहेंगे, ये सच है बिल्कुल. और बच्चे हमेशा सच्चे ही होते हैं. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सारे बच्चे जो है ना, ये जो दीदी बोल रही है आपकी, या छोटी है या बड़ी है, तो इसको फॉलो करो. देख कितना अच्छा वो, इनका सारी चीजें मिली है, आप सबको भी मिलेगी ये. जी जय गुरुदेव. जी जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव वीना गुरु बहन. और आपके साथ में भी बच्चे हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनको भी बोलने दीजिए. अनिका बोलोगी, उनका भी कोई, उनको एक्सपीरियंस कोई हो तो सुनाने दीजिए. उनको ध्यान में क्या हुआ, उनको कैमरे पर लाइए एक बार, बहुत अच्छा लगेगा.
देखिए सारे बच्चों बड़ा पता है आपको, सब वीडियो है ना यूट्यूब पर जाएगा, सब देखेंगे, आप जो भी बोलेंगे ना वो आप सारी दुनिया देखेगी, इसलिए आप बोलिए जो गुरुदेव के बारे में बोल सकते हैं। पता नहीं आपसे लोग, पता नहीं कितने लोग जुड़ेंगे आपके बोलने से, कितने बच्चे जुड़ेंगे और उनका ध्यान लगेगा। तो यहाँ बैठे बैठे हम दुनिया में प्रचार कर सकते हैं, पूरी दुनिया में गुरुदेव का संदेश पहुंचा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ओके बोलिए बोलिए जी। ये मोनिका के नाम से आईडी है, उनको बहुत अच्छा योग हुआ था, ये भी बताएं अपने बारे में। हाँ जी हाँ मोनिका, बिल्कुल मोनिका, मोनिका बहन मोनिका, सिस्टर मोनिका, इनकी मम्मी के नाम से हो बट जिनका भी ये आईडी है वो आए प्लीज। जी जी मोनिका के नाम से जो आईडी है, इस आईडी को ओपन करें, अनम्यूट करके कैमरा ऑन करके, जय गुरुदेव, अपना माइक अनम्यूट कर ले। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे और आप स्टूडेंट हैं और या क्या करते हैं, उसके बाद में कहाँ से हैं इंडिया के अंदर से आप बोले। जी मेरा नाम मोनिका है और मैं गंगापुर सिटी से हूँ। मैं जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मतलब मैंने ज़्यादा तो नहीं करा ध्यान, थोड़ा बहुत करा है, पर उसमें ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो जाता है और ना एक रिलैक्स फील होता है 15 मिनट के बाद ना, ऐसा लगता है जैसे पूरी बॉडी पूरी रिलैक्स हो गई है और ऐसा कुछ। मोनिका आपको गुरुदेव के बारे में किसने बताया था सबसे पहले? जी मेरे पापा ने। अच्छा अच्छा तो आप कब से ये मेडिटेशन कर रही हैं गुरुदेव का सिद्ध योग का? जी एक्चुअली मैंने LLB करा है, जब मैं LLB में फर्स्ट ईयर में थी, जब पापा मुझे लेके गए थे जोधपुर आश्रम में, तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। फिर उसके बाद कभी कभी कर लेती थी, कभी नहीं करती थी, ऐसा ही रहता था। फिर अभी जब ये कोरोना जैसे लॉकडाउन अभी हुआ था, तभी मैं घर पे गई थी, तो उस टाइम पे पापा के साथ मैं बैठ जाती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब कॉन्सेंट्रेशन, अभी मैं ही बताती हूँ, जैसे अभी मैं घर गई थी तो स्टडी में ऐसा हो जाता है, घर आए थोड़ा कम पढ़ लो, ऐसा तो हो ही जाता है। तो मैं नहीं मतलब बीच में थोड़ी ऐसी हो गई थी कि नहीं पढ़ना ऐसे ऐसे, कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, घर आए। तो एक दिन क्या हुआ था, सुबह 5 बजे जो होती थी ना अपनी मेडिटेशन का जो लगता था उसमें बैठती थी, तो मुझे ऐसा तो है ना, उस टाइम पे मुझे मेरी जयपुर में जो मेरी स्टडी टेबल है वो मुझे दिखी, उसमें मेरे पेन रखे हुए हैं, मेरी बुक्स, ये सब मुझे दिखा। तो फिर उसके बाद मुझे फील हुआ कि नहीं अब अपन को करना चाहिए अपना जो भी बीच में, फिर मेरी स्टडी भी मतलब मुझे ध्यान आया कि हाँ मैंने जो छोड़ा है वो मुझे करना है, क्योंकि मेरी कंटिन्यूसली टूट गए थे मेरे जो भी कंटिन्यूस जो भी था मेरी स्टडी का वो। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टडी करी, फिर मैं वापस जयपुर आ गई हूँ, अब ध्यान भी करती हूँ और स्टडी भी अपनी बराबर करती हूँ। बहुत सुंदर। तो अच्छा, आपने ध्यान के दौरान को, जी 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 बोलिए बोलिए जी। जी जैसे मैं ध्यान करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे वहाँ पर अपनी टेबल दिख गई थी, स्टडी टेबल, जैसे अभी की बताती हूँ, अभी मैंने 15 मिनट का करा था, उसके बाद मुझे एक माइंड एकदम से रिलैक्स फील होता है और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और काफ़ी चीज़ें से हमारे क्या होता है जुडिशियल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके सेक्शन याद करने होते हैं, और वो ही होता है कि कॉन्टिन्यूसली आप पढ़ोगे जब भी आपको याद रहेंगे, वरना हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं हमारे। तो अब ये रहता है कि जैसे मैंने एक बार पढ़ लिया और जैसे जैसे करती जाती हूँ तो मुझे वो मतलब याद रहते हैं, मुझे इवन उसके एक पॉइंट याद रहते हैं सेक्शन के साथ साथ, जो भी पॉइंट्स हैं उनके मुझे ये भी पता है कि फर्स्ट पॉइंट में क्या है, सेकंड में क्या, और हमारे बहुत सारे होते हैं। अब मुझे पूरी उसकी जो भी, अब जैसे पहले होता है कि हाँ ये सेक्शन बोल देता है कि ये चीज़ है, लेकिन अब मुझे एक एक पॉइंट उसका याद रहता है कि हाँ इसमें ये था ये था, जैसे कि अपन यूँ ही उंगलियों में गिन सकती हूँ मैं वो सेक्शंस के पॉइंट को। जी बहुत सुंदर है कि गुरुदेव का मेडिटेशन करने से हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, इससे हमारी मेमोरी शार्प हो जाती है और हम जो चीज, जी जी बोलिए गुरु भाई। और ना जो भी एक जैसे कि शांत एकदम ना इतना पीस होता है माइंड में, 15 मिनट के बाद इतना पीस मिलता है कि आप पूरे दिन आराम से अपने को जो भी काम करना है आराम से करो, ना तो स्ट्रेस होता और अभी ना, और मतलब इतनी अच्छा लगता है। और जैसे होता है ना गुस्सा है और इरिटेशन जो आजकल नॉर्मल हो जाता है वो सब बिल्कुल गायब, कुछ नहीं होएगा और अंदर से खुशी मिलती है, बिल्कुल बहुत सुंदर अच्छा और बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे कि इस मंच के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी, सबको क्या संदेश देना चाहेंगी कि ये बहुत सारा वीडियो सब जगह जाएगा, तो मैं मोनिका से कहूंगा कि सिद्ध योग के बारे में संक्षिप्त में आप सभी लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहती है? जी ये जैसे कि आज की जो अपने लाइफ स्टाइल है जो भी, इसमें अपना स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, अभी बच्चों को ही लगा लो कि कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत चीजें होती हैं,
अभी मतलब मैं इतने नॉर्मल एवरेज हूँ स्टडी में, एकदम ये नहीं कि एकदम टॉपर और ना ही एकदम बिल्कुल वीक, मतलब एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो उस बीच में भी मैं एक एक पॉइंट को जब मैं याद रख सकती हूँ, अगर हम इसको सही तरीके से और अच्छे से इसे करें कंटिन्यूस, तो मुझे लगता है कि हमें पूरी मतलब बुक्स वगैरह जो है तो हम ऐसे ही रख सकते हैं, मतलब हमारी उंगलियों में रख सकती है वो चीज़। तो यही है कि जो भी है सभी योग करें और हमारी बीमारियाँ तो ठीक हो ही जाती हैं गुरुदेव की कृपा से। और उसके अलावा बच्चों को देखा जाए तो यही है कि अगर उन्हें सब कुछ याद हो जाएगा आसानी से, वो याद रख पाएंगे तो ऑब्वियसली उनके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे और जो भी उन्हें जो चाहिए वो उन्हें आसानी से अचीव हो जाएगा। अभी जैसे अब मैं ना एक दिन में 4-5 सब्जेक्ट तो आराम से ऐसी पढ़ लेती हूँ, कर लेती हूँ आराम से पढ़ लेती हूँ। और फिर ना और उसके बाद पहले तो क्या होता था जैसे अपन कंटिन्यूस में पढ़ नहीं पाती थी कि गैप लेती थी, अब मुझे गैप की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक सब्जेक्ट कम करा जैसे हो गया, जैसे मैंने सुबह मैं इंग्लिश लेती हूँ, स्टार्टिंग में इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मुझे लगता है पहले तो मुझे लगता था चलो एक सब्जेक्ट हो गया थोड़ी देर के लिए अब रेस्ट ले लेते हैं, अब मुझे लगता है नहीं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो अपना, फिर मैं अपने लॉ के सब्जेक्ट उठा लेती हूँ, फिर मुझे लगता है नहीं अब हिंदी पढ़ो, तो अब ना ऐसे मन करता है कि पढ़ो, खुद को ही मन करता है कि और पढ़ लो रखो मत। तो ये हुआ है और ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है मुझे करते, अभी जब मैं घर गई थी जब वहां से मेडिटेशन स्टार्ट किया था उसके बाद अभी मुझे 5 दिन हुए जी। कंटिन्यू करिए गुरु बहन। हाँ हाँ, जैसे 5 दिन के बाद से मुझे ऐसा लगने लग गया कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, खुद को लगता है। और जैसे नींद और जैसे मैं सो जाती हूँ, पहले मैं अलार्म वगैरह लगाती थी, अब अपने आप मेरी 5 बजे मोनिका का कनेक्शन कट गया है। मेरी आवाज आ रही है रंगलाल जी? गुरु भाई आ रही है, दोनों की आ रही है भैया आवाज, दोनों की आ रही है, दोनों की आवाज आ रही है। मोनिका बोल रही है, कंटिन्यू करिए जी। हाँ जी, हाँ मोनिका बोलिए। हाँ तो अपने आप ही नींद हो जाती है मेरी और सही टाइम पे, जैसे रात को लगता है टेक्निकल इशू है तो जी जी बोलिए। तो है ना आराम से और ना नींद भी इतनी अच्छी, आवाज नहीं आ रही है थोड़ा सा आपकी आवाज। रामलाल जी भाई साहब आपके यहाँ प्रॉब्लम है, आ रही है इनकी आवाज, आपकी भी आ रही है? हाँ कंटिन्यू रखिए मोनिका। एक बार आप यहाँ से जी, एक बार यहाँ से आप लेफ्ट होकर के दोबारा जुड़िए, शायद हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू आ गया है, लेफ्ट होकर के फिर जुड़िए। रामलाल जी भाई मैं सोहन रोहन गुरु भाई, सोहन गुरु भाई जी आपके बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं। मोनिका आप ऐसा करो एक बार लेफ्ट होकर के दोबारा ज्वाइन करिए फिर आवाज आ जाएगी। अरे रामलाल, रोहन गुरु भाई, रामलाल जी, रामलाल जी को आवाज नहीं आ रही है शायद। बेटा आप कंटिन्यू करो, मैं उनको कॉल करके। रवि गुरु भाई आवाज नहीं आ पा रही मुझे, पता नहीं क्या टेक्निकल। जय गुरुदेव सभी को। हाँ जय गुरुदेव जी बोल। मैं आप सभी को गुरुदेव के जीवन परिचय से अवगत करना चाहती हूँ जी। पूज्य सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग प्रवृत्ति मार्गी संत हैं। गुरुदेव का अवतारण बीकानेर के पलाना ग्राम में 24 नवंबर 1926 में हुआ। गुरुदेव रेलवे में हेड क्लर्क के पद पर कार्य थे। परिस्थितियों वश गुरुदेव ने सन 1968 से गायत्री की आराधना शुरू की और 1 जनवरी 1969 में गुरुदेव को गायत्री की सिद्धि हो गई। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के पश्चात गुरुदेव ने जामसर में आराधना कर रहे बाबा श्री गंगाईनाथ को गुरु धारण कर गुरु पद पर धारण कर लिया जिनकी। अच्छा रोहन गुरु भाई एक मिनट इसको रोकना चाहूंगा गुरु भाई को, हमारे बीच में देखो बच्चों आज देखिए बाबा श्री गंगाईनाथ जी का नाम लिया और हमारे गुरु भाई अभी जामसर में समाधि पर है, देखो सब एक बार दर्शन कर लो। चौतमल जी गुरु भाई चौतमल, फिर उसके बाद में आपकी बात कंटिन्यू करेंगे। चौतमल जी गुरु भाई आप मेरे जो सुन रहे हैं, चौतमल जी गुरु भाई बोला जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ आज हम यहाँ दादा गुरुदेव की समाधि पे आए हैं, देखिए सब देखिए जी 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 और परिवार से भी यहाँ पर आए हैं, दादा गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिला है।
देखिए सारे बच्चे क्या करेंगे, सभी गुरु भाई बहन देखो, ये दादा गुरुदेव की समाधि बीकानेर जामसर, बीकानेर से 27 किलोमीटर जो गुरुदेव के गुरुदेव हैं उनकी समाधि है ये, और सभी देखिए चरण पादुकाओं के दर्शन कर लीजिए सब, देखो बहुत सुंदर दृश्य है। आज अपना सबका सौभाग्य है कि देखिए हमें गुरुदेव के दर्शन आश्रम कोटा के हो गए, फिर दादा गुरुदेव के दर्शन चौतमल जी गुरु भाई, दादा गुरुदेव को प्रणाम कर लीजिए जी, बहुत सुंदर। देखो एक बार आयुष एक बार सारी समाधि के पूरा दूर से समाधि के दर्शन भी करवा दो बेटा, पूरी समाधि दिखा दीजिए इन बच्चों को, पूरे बच्चे देश भर के दुनिया के बच्चे जुड़े हुए हैं। देखिए ये दादा गुरुदेव की समाधि कितने सुंदर, कितना दिव्य स्थान है, कितना पवित्र स्थान है, तो बहुत सुंदर। देखो सब दर्शन कर लीजिए, ये सब परम सौभाग्य की बात है कि हमें देखो आज पहला सेशन हमारा है और दादा गुरुदेव हमको दर्शन दे रहे हैं, सब बच्चे कितने सौभाग्यशाली है। और मैं धन्यवाद करूंगा ना चौतमल जी गुरु भाई का, आयुष भैया का, कि आप यहाँ पर समाधि पर आए और हमें दर्शन करवा रहे हैं। बहुत बहुत सबको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत जय गुरुदेव। देखिए कितना सुंदर दर्शन है, आप जब सब बच्चे ना मम्मी पापा जाएंगे तो आप भी यहाँ पर जाना, बहुत अच्छा लगता है। और दादा गुरुदेव बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, मैंने बताया ना कोटा में एक छोटी सी बच्ची उसके साथ में दादा गुरुदेव ध्यान में वो खुल रहते रहते, बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। बड़ा आनंद आ गया गुरु भाई आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को दर्शन करवाने के लिए, और ये सौभाग्य की बात है जी। बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। कुछ कहना चाह रहे गुरु भाई तो बोल सकते हैं। जय गुरुदेव। हाँ मैं ये कहूंगा कि सभी जो बच्चे हैं जो आज इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं, एक बहुत अच्छा सौभाग्य है इनका के परम सत्ता से ये सभी बच्चे जो है मुखातिब और एक रूबरू रहे कि गुरुदेव जो है हमारे जो परमपिता परमेश्वर जिनको हम मानते हैं, यूं कहें कि दादा गुरुदेव की समाधि यहाँ पर है और जोधपुर में गुरुदेव की है। तो हम लोग यहाँ पर जो है कलाना में भी गए थे कल, उससे पहले जोधपुर गए और उससे पहले एक दिन हम जो है अपने काजलवास धाम जहाँ पर सभी नवनाथों की समाधि है, जो हमारे गोरखनाथ जी की और नवनाथों की समाधि है, वहां पर भी हम लोग गए। तो हम एक पूरा दर्शन करते हुए सभी जगह जहाँ जहाँ हमारे आराध्य हैं गुरुदेव से जुड़े हुए, दादा गुरुदेव से जुड़े हुए सभी पे हमने दर्शन सब परिवार किया है, सभी परिवार के लोग हैं। और यूं कहेंगे कि हम चारों धाम यात्रा पर हैं एक तरह से, काजलवास, जोधपुर, मलाना और अब अंतिम पड़ाव जो है दादा गुरुदेव के सानिध्य में जामसर। और इस तरह से जो है अंदर जो दादा जहां पर तपस्या करते थे वो तपोस्थली में आपको दिखा रहा हूँ, जहां पर तप करते थे मैंने पहले आपको समाधि वाला जगह दिखाई है और तपोस्थली जो थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसके अंदर ये चारों तरफ से अभी तो जाली है और इसके भीतर जहाँ पर दादा गुरुदेव का स्थान है वो मैं आपको दिखाता हूँ सभी बच्चों को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए प्यारे बच्चों आज बड़ा सौभाग्य कि दादा गुरुदेव जहाँ पर तपस्या किया करते थे, साक्षात शिव भगवान तपस्या करते थे बैठ के, यहाँ पर हम अंदर देखो दर्शन करेंगे। ये अंदर दादा गुरुदेव का जो है, यहाँ पर दादा गुरुदेव की मूर्ति है, यहाँ पर बैठा करते थे और अंदर में अभी जहाँ पर वो तप करते थे वो अंदर देखिए अभी दर्शन होंगे। एक बार अंदर बच्चे लोग बाहर देखते हैं वीडियो लाइव, अंदर थोड़ा सा जो है ना बच्चों को, ठीक है, बहुत सारे दुनिया भर के बच्चे जुड़े हुए हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये दादा गुरुदेव की तपोस्थली, देखिए दादा गुरुदेव का डमरू है, दादा गुरुदेव का त्रिशूल है, देखो यहाँ दादा गुरुदेव यहाँ बैठा करते थे और यहाँ से सुंदर यहाँ अपनी आराधना करते थे। पता दादा गुरुदेव 24 घंटे में एक बार उठा करते थे, इतनी तपस्या किया करते थे। और यहाँ पर बैठ करके देखिए ये दूना है, ये देखिए यहाँ पर दादा गुरुदेव का वो तपोस्थली है, इस जगह यहाँ पर दादा गुरुदेव बैठते थे। और देखिए अंदर वहां, देखिए अंदर वहां पर दादा गुरुदेव वो नीचे उस इस स्तर पर यहाँ स्थल यहाँ जाकर के दादा गुरुदेव का यो पलंग है जहाँ पर दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी बैठ करके यहाँ पर तपस्या करते थे, साक्षात शिव भगवान तपस्या करते थे। ऐसे स्थान के आज हम दर्शन पाकर के सब धन्य हो गए हैं।
अहो भाग्य हमारे कि देखो सुंदर आज हमें दर्शन मिल रहे हैं। कब जाना, ये देखिए दादा गुरुदेव की चरण पादुकाएं हैं, लकड़ी की चरण पादुकाएं ऐसे पहना करते थे और इनसे पहन करके चला करते थे दादा गुरुदेव। और ये दादा गुरुदेव का त्रिशूल है, वो चिमटा है, और वो देखिए सब प्रकार दादा गुरुदेव जो साथ में सामान रखते थे यहाँ बैठते थे। देखो जमीन के अंदर है, ये सारा जमीन के अंदर बैठ करके यहाँ पर तपस्या करते थे और बहुत तप किया। ये हमारा सबका सौभाग्य कि ऐसे दिव्य स्थान का हमने दर्शन पाया है। और ये देखिए यहाँ पर से वो दादा गुरुदेव की समाधि है, धूना है, यहाँ पर दादा गुरुदेव का कमंडल रखा है। देखिए कितने सारे सुंदर सुंदर उनके दादा गुरुदेव के सारे वो है, कितना अद्भुत दृश्य है, आनंद हो गया। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई जी। सब बच्चों ने बहुत दर्शन किए तो बहुत आनंद पाया है। ऐसा परम सौभाग्य बिरलों को मिलता है कि साक्षात शिव भगवान के स्थान पर हम जाकर के दर्शन पा रहे हैं। बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। गुरु भाई चौथमल गुरु भाई जी आपका बहुत बहुत जय गुरुदेव। साक्षात शिव अवतारी दादा गुरुदेव गंगाईनाथ जी का जो स्थल है बहुत ही पावन और असीम शांति देने वाला, सुखकारी और समृद्धि जो भी हम चाहते हैं प्रभु से आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है अब आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। तो सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जी जी आपका भी बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, आपने दर्शन करवाए, बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। अब हम लोग जी जय गुरुदेव। अब हम लोग पुनः अपने जो गुरु भाई हैं रोहन गुरु भाई, उनके बच्चे गुरुदेव के बारे में कुछ बता रहे थे। वो गुरुदेव की कैसे जीवन यात्रा, दादा गुरुदेव का नाम लिया था और वो दादा गुरुदेव का नाम लेते बोले दादा गुरुदेव का स्थान आ गया। देखिए आप वापस आके कंटिन्यू करिए अपनी बात को। रोहन गुरु भाई आप अपना माइक अनम्यूट करवा दीजिए और बच्चे खुशी 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 देखो खुशी को बड़ी खुशी मिली आज। देखो खुशी ने हमको दादा गुरुदेव का नाम लिया और दादा गुरुदेव के दर्शन हो गए, बड़ी सुंदर बात है। जी जी चले खुशी आप बोले नहीं जी, शायद वो माइक अनम्यूट कर लें खुशी हमारे बीच में। चलो खुशी नहीं बोली तो हमारे बीच में मॉरीशस से, फ्रॉम मॉरीशस से हमारे बीच में निर्मला गुरु बहन की का बच्चा जुड़ा हुआ है। निर्मला गुरु बहन डू यू हियर मी, आप सुन रही हैं मुझे? यदि निर्मला गुरु बहन सुन रही हैं तो आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। जय श्री गुरुदेव, आप सुन पा रहे हैं? जय जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। बहुत एकदम से आनंद है, दर्शन आपने करे होंगे। आपका बच्चा आपके साथ में जुड़ा हुआ है तो हम चाहेंगे कि उसको एक बार माइक कैमरा ऑन करके और वो यदि कुछ कहना चाहता है तो उसका वेलकम करेंगे हम यहाँ पे। बेटा जय गुरुदेव। अच्छा आप हिंदी जानते हैं ना थोड़ी थोड़ी सी? ओके ओके तो ये बताइए आपका नाम बताइए और कौन से देश से हैं, कौन सी कंट्री से? पूरे देखो इंडिया के बच्चे भी जुड़े हुए हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए छोटा सा। मेरा नाम जसवीर संधू है और मैं मॉरीशस से हूँ। बहुत सुंदर। अब कौन से स्टैंडर्ड में आप स्टडी करते हैं? एट स्टैंडर्ड के आप स्टूडेंट हैं, बहुत सुंदर। अब ये बताइए कि आपने जब गुरुदेव का, आप गुरुदेव के और सेशंस में भी बहुत सी बार जुड़ते रहते, मैंने आपका एक वीडियो क्लिप भी देखा था फेसबुक पर देखा था, आपका वीडियो बहुत सुंदर था। तो ये बताइए आपके गुरुदेव से जुड़ने के बाद कैसे कैसे सुंदर सुंदर अनुभव हैं वो बताइए सब। बहुत अनुभव हुआ गुरुदेव से जुड़। जी जी इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश यू कैन स्पीक इन इंग्लिश आल्सो प्लीज। ओके ओके जब आपने ध्यान शुरू किया तो आपने कितने दिन से आप ध्यान कर रही है बताइए? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग सिद्ध योगा? आई स्टार्टेड इन 2019। ओके ओके दीपेंद्र गुरु भाई, दीपेंद्र गुरु भाई आप और रंगलाल गुरु भाई आप इस बच्चे से बड़ी सुंदर बातें कर सकते हैं इंग्लिश में चाहें तो, और भी कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कवाना कवाना डू यू लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस टू ब्रदर? जी
So Jasbir, I'd like to ask some questions. So it's been almost 2 years you have been practicing Siddhi Yoga. So any particular experience that you would like to share? Any specific one which is one of the best ones so far? Yes, every time when I ask Gurudev something, he gives me. Any particular experience that you would like to share while doing meditation or doing Naam Japa that you experience in any improvement in your studies or anything in your health? Yeah. Since I'm doing this meditation, I have improved a lot in my studies. Okay. Great. It's good. Okay, would you like to say to all our kids and children who are there in the session that you would like to give to them about Siddhi Yoga? Guru Tyag Siddhi Yoga, any message that you want to give to them? Yes, we must do Guru Tyag Siddhi Yoga as it helps us to concentrate a lot more on our studies. Our brain will stay focused and we will feel very relaxed after doing it. Okay, that's really great. Thank you. Okay, very nice. Or before some time, while some time you go to darshan of Baba Sri Ganga Naik Ji Samadhi Stal or Baba Sri Ganga Naik Ji Tomb also. Would you like to visit it? Yes, I wish that one day I will go. Okay, we welcome to India surely. And I would like to. Okay, very nice experience, Bhaiya. Very nice experience, brother. Or all brothers and sisters, do like your experience. Or you, every Sunday, you can connect or share your experience. Jai Gurudev Nirmala Gurubain, aapne Bhaiya ko joda, iske liye aapka bahut bahut dhanyavaad. चले और भी कोई गुरु भाई बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते छोटे छोटे बच्चे बोल सके जी हाँ हमारे बीच में बहुत बच्चे हैं जिन्होंने अभी शेयरिंग नहीं करी है मैं देख रहा हूँ कई आईडी हैं जैसे आशीष शामते हैं आर्यव्रत कोई भी और अपना कैमरा अगर इनेबल करके शेयर करना चाहे माइक अनम्यूट करके शेयर करना चाहे तो प्लीज कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है फील फ्री टू शेयर दैट बिल्कुल सभी का आपका यहाँ पर वेलकम करते हैं आपका कोई जी आप कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं आपके मन में कोई प्रश्न पूछना है कि मुझे ये मेरे मन में बात आ रही है गुरुदेव का ध्यान करने के बारे में गुरुदेव के ध्यान के लिए तो आप अपना क्वेश्चंस कर सकते यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस एनी क्वेरी ऑन दिस प्लेटफॉर्म अच्छा मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि जितने भी आज ये स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो अपना दो मिनट का हम लोग एक डिस्कशन रखेंगे कि इस प्रोग्राम को और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है और आगे आने वाले टाइम में हम और ऐसी क्या चीज़ एड ऑन करें इसमें तो दो मिनट के लिए हम सेशन रखेंगे जो भी इसमें अपने सजेशन देना चाहें प्लीज देवें जय गुरुदेव बच्चे स्पेशली सारे बच्चे ओके सारे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं रंगलाल जी गुरु भाई बोल रहे हैं देखिए रंगलाल जी गुरु भाई दिल्ली से बोल रहे हैं मैं कोटा से बोल रहा हूँ बहुत सारे देश भर के कोने कोने से बहुत सारे गुरु भाई जुड़े हैं आप भी देश कोने से जुड़े हैं हमारा सेशन हर संडे को होगा तो हम इस सेशन में क्या क्या अच्छा कर सकते हैं सब अपने सुझाव दे सकते हैं कि ये करना चाहिए इसमें ये जोड़ना चाहिए सब बच्चे बताएंगे आपके लायक जो प्रोग्राम होगा उसको करेंगे हम लोग चलिए बोल सकते हैं सबको अपना माइक अनम्यूट करके बोलना शुरू कर दीजिए और मैं गुरु भाई बहनों से स्पेशल आग्रह करूंगा कि बच्चों का माइक अनम्यूट करवा के उनको बोलने के लिए कहें तो वो बोलेंगे कुछ न कुछ उनके हृदय में जो भी बात होगी कहेंगे जी कनिका कैन यू कैन अनम्यूट योर माइक और कैमरा आल्सो जय गुरुदेव सभी को जय गुरुदेव कनिका जय गुरुदेव सर मीटिंग ना बहुत लॉन्ग है और इसमें से मतलब कोई फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है कि जो एक चीज को डेडिकेट किया जाए मतलब सब कुछ एक साथ हो रहा है और वो एक एक करके होना चाहिए सही बात कर रहे हैं आप आज ही फर्स्ट अपना सेशन है और आपकी बात को हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं हम कल इस सेशन में अपने को हमने कल भी डिसाइड किया कि बहुत लॉन्ग टाइम नहीं होता है 30 से 40 मिनट से ज्यादा नहीं होगा ये अगला सेशन
क्योंकि फर्स्ट है तो हम लोग पहली बार थोड़ा सा हम भी सब समझ रहे हैं, आप बच्चों की जिज्ञासाएं भी समझ रहे हैं, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि 40 मिनट्स मैक्सिमम टाइम इसका रहेगा। ओके आर्यव्रत प्लीज। ओके जय गुरुदेव। मेरा नाम आर्यव्रत है, मैं 14 साल का नाइन्थ। वेरी 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 गुड। मैं अभी हरियाणा से हूँ, अभी बेंगलोर में हूँ। जी जी जी। मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा आर्य, ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें और क्या क्या प्रोग्राम हम ऐड करें ताकि सबको मजा आए इसको करने का, ध्यान करने का, साथ में कुछ कार्यक्रम और भी कर सकते, आपके मन में क्या बात आती है कि क्या करना चाहिए? जैसे कि अगर हम सब मिलकर अगर सारे मतलब जैसे अपने अपने जैसे ये शेयर करेंगे और बातें मिलके बोलेंगे, जैसे एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे कि और हमारा ग्रुप कैसे बेटर हो सकता है, हमारा ध्यान और कैसे बेटर हो सकता है, और हमारा एक्सपीरियंस बढ़ाए और क्या क्या हो सकते हैं, इन सब की वजह से हमारा ये सब अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सुंदर। और मैं जब चार पांच साल का था तब से मैं ध्यान कर रहा हूँ। जी जी। और मैं अपने मम्मी पापा को देखते देखते ध्यान कर लेता था। अच्छा। तब मेरे को समझ तो नहीं थी पर कर लेते थे, तब फिर गुरुदेव मेरी तब बहुत मानते थे। जी। मैं अपनी मम्मी की मतलब नौकरी के लिए वो बहुत प्रेयर करता था, और मतलब जब 5 साल का था तब मम्मी की नौकरी लगी थी, तब मैं इतना प्रेयर कर रहा था और गुरुदेव ने मेरी मान ली थी। ये बहुत सुंदर बात कही है आर्य आपने कि आपने प्रेयर किया और आपकी माँ की जॉब लगी, तो ऐसे सभी बच्चे भी गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे तो उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी ना। बहुत सुंदर बात है गुरु भाई, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आर्य, बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए आर्य और भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ ऐसे ही मतलब हम अपने खुशी के लिए और मतलब सब अगर हम सबके अंदर खुशी देखते हैं ना तो अपनी खुशी होती है उससे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात कही है, बहुत सुंदर बात है, आनंद आ गया भाई आपकी बात सुन करके, तो आपको तो गुरुदेव ने बड़ी कृपा कर दी है। जी धन्यवाद रवि भाई, बहुत बहुत बिटिया से भी शेयरिंग करवाओ थोड़ी, कुछ भी करवाओ रवि भाई साहब। और ऐसे ही जैसे मैंने जैसे मम्मी के लिए प्रे किया था वैसे ही पापा के लिए किया था, पापा की भी तबीयत ठीक हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि गुरुदेव सारी बात सुनते हैं, हमारी सारी प्रार्थना सुनते हैं। गुरुदेव कितने प्यारे कि सारे बच्चों की प्रार्थना सबसे जल्दी सुनते हैं। बिल्कुल अब ऐसी मेरे को भी कई सारी अनुभूतियां होती है, जैसे अपने आप योगा होने लग जाती है। हाँ जी हाँ जी। और हाँ जी। कई बार गुरुदेव अपनी रोशनी मेरे ऊपर डालते हैं। ओहो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, तो बहुत ही अच्छी बात है जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अरे बहुत आनंद आ गया आपके अनुभव सुनकर के, मजा आ गया, हम चाहेंगे कि आगे सेशन में आप बहुत सारे अनुभव सुनाते रहे। और रंगलाल जी गुरु भाई मैं चाहूंगा कि सेशन लॉन्ग हो रहा है थोड़ा सा, तो हम इसको शॉर्टली ब्रीफ करके इसको एक दो अनुभूति लेकर इसको हम सेशन का समापन करेंगे। भाई साहब दो तीन अनाउंसमेंट्स थे मैं कर देता हूँ फिर आप प्रोग्राम को कर दें। जी जी। पहला तो ये है कि बहुत सारे गुरु भाई नए हैं यहाँ पे जिनके कॉन्टेक्ट नंबर्स अपने पास नहीं है, जैसे मोनिका गुरु भाई ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी, उसमें मेरा नंबर है तो सभी लोग मेरा नंबर ले लें, और उसमें वो यदि अपना एक्सपीरियंस और योगिक मूवमेंट वाला कोई वीडियो शेयर करना चाहें जो कि हम यूट्यूब पे अपलोड कर सकें या ग्रुप्स में डाल सकें तो स्टूडेंट डाल सकते हैं। एक अनाउंसमेंट ये है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी जी। ये सब बच्चे जो जितने भी बच्चे हैं ये आप अपना नाम नंबर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे एडवांटेज ये होगा कि आप यदि कोई भी चीज शेयर करना चाहते हैं और वो अच्छी होगी तो सबको हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे और वीडियो में और अपने ग्रुप्स में डालेंगे ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके, और एक ग्रुप बनाया हुआ है उसमें उनको ऐड कर लेंगे।
दूसरा चीज ये है कि हमारा डेली मेडिटेशन का एक कार्यक्रम चलता है, शाम को 7:15 बजे से लेके स्टार्ट होता है, मतलब उसमें मेडिटेशन 7:30 से लेके 7:45 तक होता है, तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पेरेंट्स उसमें जुड़ना चाहें सब आ सकते हैं। सेम ही लिंक होगा और टाइमिंग उसका डिफरेंट है, ये दूसरा अनाउंसमेंट था। और तीसरा अनाउंसमेंट, जैसा कि अभी गुरु भाइयों ने बोला कि ये थोड़ा कार्यक्रम बड़ा हो रहा है, तो 2 से 3 संडे के बाद में हम इस कार्यक्रम को बड़ा ही अच्छे से फ्रेम करके सब लोगों को बता देंगे। तब तक हम लोग सब में सबके इनपुट ले रहे हैं और कैसे इसको अच्छा बनाया जाए। ये 3 अनाउंसमेंट थे, अब आप भाई साहब कैरी ऑन कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जी जी, सभी प्यारे बच्चों को ये इस प्रोग्राम में आप आए, आपने समय निकाला, चूंकि समय थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है और हम आगे समय का बहुत ध्यान रखेंगे, मैनेज करेंगे आपके क्लासरूम का जो 40 मिनट्स का टाइम टेबल होता है स्टडी का, उसी प्रकार से एक हमारा हर संडे को एक क्लास हुआ करेगी, इस क्लास में हम सब आएंगे और ये गुरुदेव की कक्षा होगी, गुरुदेव हमारे टीचर हैं और हम सब उनके बच्चे हैं और सब मिलकर के ध्यान करेंगे, आपस में बातें करेंगे, एक दूसरे की बातों को शेयर करेंगे, अनुभव को शेयर करेंगे, और आपके भी कोई अनुभव हो तो आप अपने मम्मी पापा को बताएंगे और फिर मम्मी पापा अपने यहाँ शेयर कर सके, आपका वीडियो भी बना करके यूट्यूब पर डालेंगे। और एक निवेदन सबसे करूंगा कि आप सब जुड़े, अपने दोस्तों को भी बोले कि ऐसा सेशन होता है 40-40 मिनट का, उसमें आप आए और इस सेशन को अब यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। आपने समय दिया सब बच्चों ने और बच्चों के माता पिता ने, गुरु भाई बहनों ने, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि गुरुदेव के कार्य के लिए आपने अपना अमूल्य समय निकाला। बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी बच्चों को और बहुत बहुत हिंगू भाई साहब प्लीज कार्यक्रम को हिंगू भाई जी इसको एंड कर दे। हिंगू जी गुरु भाई शायद वो निकल गए हैं। चलिए गुरुदेव के चरणों में सेशन को यहीं समर्पित करते हैं, सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। अगले संडे को फिर मिलेंगे 9 बजे, तब तक आप ध्यान करते रहिए, मंत्र जपते रहिए और अपने अनुभव शेयर करने के लिए आइएगा। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्यारे जय गुरुदेव।